और पलकू क्या हाल है? हाल हाल को क्या होना है, हाल तो ठीक है बे। सड़े या क्यों है, क्या हो गया? कुछ नहीं हो रहा, होना क्या? अब आलस ने पूरे देश को अपनी लपेट में ले लिया, राजा से लेकर प्रजा तक और कानून से लेकर सजा तक सब आलस की लपेट में है। दंगाई भी अब छोटे छोटे दंगे करते हैं जिसमें 200-300 लोग ही मरते हैं। प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन छोटे होते जा रहे हैं, खुद साले मोटे होते जा रहे हैं। राजा जी जो खुद सेल्फी खिंचाने गए थे चांद के साथ, नीचे ही नहीं आ रहे। अलावे दरख्त पे जो किसान लटके हैं ना, अभी भी उधर ही अटके है। रुपया बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, महंगाई घटने का नाम नहीं ले रही। तो उन्हें क्या करना फिर? करना क्या है, वो नहीं है वो स्वांग ग्रुप मुंबई का, कल रात को उन्होंने सुना है एक बोतल कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, एक अधिया फ्यूडलिज्म मतलब के समंतवाद, और एक पौआ कास्टिज्म मतलब जातिवाद, पी के खत्म कर दिया है। हैं, ये क्या करीता, पी के ही खत्म कर दिया? भाई एक बात और भी सुनी है मैंने, उनका कहना है बाकी की सारी समस्याओं को उन्होंने धुएं में पी पी के खत्म कर देना है। अच्छा, तो और क्या रहिया करने हो? गाना बनाना है उनको, सालों के पास खाने को पैसे नहीं है, गाना बनाने को कहाँ से आने? तो महाराज एक काम करो, तुम लोग थोड़े थोड़े करो पैसे इकट्ठे और डाल दो परे स्वांग के कटोरे में, सुनने को भी मिलना है गाना, देखने को भी मिलना है। हाँ ठीक बे, चलते हैं तो फिर मिलेंगे और पियेंगे बे बला चाय। हाँ सुर सुरी चाय है, सुड़प सुड़प के पी।